हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल और आपके चैनल फ्यूचर टेक 998 में। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर यह चैनल आपको पसंद आता है तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और यह वीडियो अगर भी पसंद आता है तो दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि योनो SBI में हम लोग बेनिफिशियरी डिलीट कैसे करें। ठीक है, और बेनिफिशियरी ऐड भी कैसे करते हैं उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, और पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इसमें फुल, इसमें आपको धीरे धीरे बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप और ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम योनो SBI को ओपन कर लेते हैं। योनो SBI ऐप को इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में थोड़ा लोडिंग लेगा, 2-4 सेकेंड। लोडिंग लेने के बाद में यह ओपन होगा इस तरह, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने इसमें एंटर एम पिन पूछ रहा है, तो मैं इस पर अपना एम पिन जो है एंटर कर देता हूँ। दोस्तों एंटर पिन कर दिया, उसके बाद योनो पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र टू ऑन अदर अकाउंट पे क्लिक करना है। मैं बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये ऑप्शन खुल के आएगा आपको सामने, अदर अकाउंट। अदर अकाउंट, अदर एडेड बेनिफिशियरीज पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैंने अदर अकाउंट्स पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में जो डिलीट की डिब्बा बना हुआ है उस पर क्लिक करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आपके सामने सक्सेसफुल नाम लिखा हुआ हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीटेड और का ऑप्शन आ गया आपके सामने। ओके सक्सेसफुली आ गया आपके सामने, देख लीजिए एक डिलीट हो गया और एक यहाँ पे बाकी आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो दूसरा नाम से है वो डिलीट हो गया, ये दूसरा नाम से था वो अभी दो पहले था उसमें एक डिलीट हो गया और एक बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप फाइनली अब बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद में फिर से मोबाइल स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कि फिर ये बेनिफिशियरी ऐड कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम योनो SBI को ओपन कर लेते हैं। योनो SBI ऐप को इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में थोड़ा लोडिंग लेगा, 2-4 सेकेंड। लोडिंग लेने के बाद में यह ओपन होगा इस तरह। अपना एम पिन जो है एंटर कर देता हूँ। दोस्तों एंटर पिन कर दिया, उसके बाद योनो पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र टू ऑन अदर अकाउंट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इसके बाद पे ए न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। को अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में इसमें आपका नाम पूछेगा बेनिफिशियरी का, जिसे कोई जो अकाउंट आप सेट कर रहे हैं उसमें नाम बता दीजिएगा। मैं नाम इसमें एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका SBI का अकाउंट है तो SBI अकाउंट का ऑप्शन चूज कीजिएगा, मेरा अदर है इसलिए मैं। उसके बाद बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो इसमें उसका जो ऐड कर रहा हूँ बेनिफिशियरी, उसका अकाउंट नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, री एंटर पूछ रहा है, फिर से वही अकाउंट नंबर इसमें डालेंगे दोबारा। IFC कोड पूछ रहा है, इसमें सर्च कर लेंगे। अगर आपको सर्च का ऑप्शन दिया है, आपको मालूम नहीं है तो अकाउंट नंबर के जरिए आप सर्च भी कर सकते हैं। IFC कोड मुझे याद है, मैं टाइप कर लेता हूँ। लिमिट इसमें सेट कर लेंगे आप। मैं 20,000 रुपया मैं लिमिट सेट कर दिया हूँ। इसके बाद आप भेजिएगा तो 20,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं, 20,000 के अंदर ही भेजेंगे आप, अलाउड नहीं होगा। 20,000 से ज़्यादा अगर आप इस अकाउंट पे आप भेजना चाहते हैं तो आप नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद में निक नेम इसका डाल सकते हैं, मैं अपना निक नेम डाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, फाइनली यहाँ पर हो गया, अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसमें अकाउंट कितना, इसमें अमाउंट आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं 5 रुपये डाल के आपको सामने, ऐसे मैं 5 रुपये डाल के मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और रिमार्क्स इसमें कुछ भी डाल दीजिए, रिमार्क्स में डाल दिया मैंने। ठीक है, और इस पर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो 5 रुपये, 1 रुपया आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट में ओके, बेनिफिशियरी एड करने के लिए। अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ पे 20,000 भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप 10,000 भी डाल सकते हैं। तो मैं, मुझे अकाउंट में पैसा भेजना नहीं है, ओनली सेट करना है। सेट करने के लिए ओनली 5 रुपीज़ मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए करेंगे। उसके बाद जो आपने अकाउंट नंबर डाला है और नाम डाला है वो अपना देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में
आई हैव रीड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक मार्क करेंगे। चेक मार्क करने के बाद में कन्फर्म पर क्लिक करना है। OTP हमारा 52। ठीक है दोस्तों, मैं अपना OTP इसमें एंटर कर दिया हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, यू हैव पेड 5 रुपीज़ सक्सेसफुल टू, नाम पूछ रहा है और रिमाइनिंग बैलेंस इन अकाउंट पूछ रहा है। ठीक है तो दोस्तों, यहाँ हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, तो ओके पे क्लिक करके पीछे जाता हूँ। अब इस पर हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने ट्रांजेक्शन चाहे बेनिफिशियरी एड किए हैं वो बेनिफिशियरी एड हुआ है कि नहीं। ठीक है तो इस पर अदर अकाउंट्स पे हम क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। ठीक है यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, पहले एक था अब दूसरा यहाँ पे हो गया। ठीक है तो दोस्तों आप सामने है, डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट मार्क जो दिख रहा है इस पर आप डिलीट, इस पर टच करके आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जैसे ओके पर आप क्लिक कीजिएगा डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है और दोस्तों के पास भी सेंड कीजिएगा। अगर यह चैनल आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।